आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में यात्रियों को समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने और जाम से बचने के लिए सड़क पर आ रही बाइक टैक्सी, जिसके माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत की जा सकती है। इसे कंपनी का नाम है बाइक बोट, जिनके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी से केन्द्रीय संवाददाता जयवीर मावी ने खास बात की। आज मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। अभी तक आने जाने के लिए हम लोग कार किराए पर लेते थे, लेकिन अब कहीं भी आने जाने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा जा सकते हैं। इसी बात को लेकर जीआईपीएल के सीएमडी संजय भाटी जी। भाटी नमस्कार, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है बताइए। नमस्कार जयवीर जी और नमस्कार व्यूवर्स। ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं आमतौर पे कार में, तो आजकल हम जाम में फंसे रहते हैं और बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमने जो एक ऐप बनवाया है जिसका नाम है बाइक बोट, और बाइक बोट ऐप के द्वारा हम मोटरसाइकिल्स को ही मौका दे रहे हैं कि वो एज ए टूलिंग सॉरी एज ए ट्रैवलिंग एजेंट या एज ए ट्रैवलिंग टूल, या आप कह सकते हैं कि एज ए बाइक टैक्सी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं होंगी? जनरल टैक्सी है, और मतलब जनरल बाइक है जिसको हम टैक्सी की तरह यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो बेसिक सुविधाएं हैं, आपको हेलमेट वहीं पे मिलेगा ऑन स्पॉट, आपको एक पेपर नैपकिन मिलेगा जिससे आप अपना सर साफ कर सकते हैं, और ड्राइवर जो होगा वो पूरी इज्जत के साथ आपको बाइक पे बैठाएगा और आपके गंतव्य तक छोटे जाएगा। जैसे कि पुरुष जो यात्री हैं वो बाइक पर आराम से बैठ सकते हैं, नहीं जो महिलाएं हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं होंगी? अभी फर्स्ट फेज में तो नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड फेज में हम महिला ड्राइवर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है महिला सिक्योरिटी की, तो मुझे लगता है टू व्हीलर पे महिलाएं सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर मेल ड्राइवर भी है तो वो आगे बैठता है, वो ड्राइव करता है, और महिलाएं पीछे बैठती हैं। मीन्स अगर वो उसको आलपिन भी चुबा देंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो शोर मचा सकती हैं। तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स वुमेन आर क्वाइट सेफ, वो सेफ है। थैंक यू। ये अभी जो आपको बताया गया है कि जो बाइक टैक्सी होगी वो लॉन्च करने जा रहे हैं, के न्यूज़ के लिए जयवीर माधव।